শ্রী সিদ্ধান্ত সরস্বতী বিজয়ী গৌরী গোষ্ঠীপতি বন্দে গুরুপদ ভক্ত বিন্দুসমন শ্রীচৈতন্য প্রভু বন্দে নিদিতাম श्री नंदनंदन नंद वेराधिकरणोदय गोपीजन सामुक्त बिन्दावन मनोहर वाश्छा कल्पतरुअस्पा सिंधु कथिता पावन भो वैष्णवभ्यो नमो नम মুকাং করোতি বাচালং পঙ্গুং লং হেত গিরিম ইয়ত কি পাতম হং বন্দি পরমানন্দ মাধব বৃন্দা ওই তুলসী দেব ওই পিয়া ওই কেশব সচ স্নভক্তি পদে দেবী সত্যবতী নমো নম নারায়ণ নমস্কৃত নরঞ্জ নরোত্তম

तेथास्पदं शिव त्वं शरण्यं भेत्तात्युहं पुनपाल्भवाद्दिपूतं वन्दे महापुरुष ते चरुणार्विन्दं यत्पादपल्लवनखचन्दमनिच्छटाय विस्फुरजित किमपि गपवधूष्वदर्शि पूर्णानुरागरससागरसारमूर्तिः कृष्ण साराधिकाई काो कृष्ण चैतन्य प्रभु श्रीअद्वैतलाधर शिव सदी गौरभक्तबिंद श्रीकृष्णचैतन्य प्रभुनेतांद श्रीअद्वतलाधर शिव सदी गौरभक्तबिंद

विषाम भरु दिज भर जुगधर्म पालो वंदे जगत प्रिय करु करुणा भथारू हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम राम, राम राम हरे नमोमि गंगे तव पाद पंकजम सुरासुरेर् बन्दितो दिब्बरूपम भक्तिं च मुक्तिं च ददासि नीतम भावानरूपे न सदा नरानम गंगा तरंग रमनीय जट कलापम गौरी निरंतर अभिभूषी तोमां भागम नारायनों प्रियम अनुगमदा भारम बरानों पुरपति भजवी शनातम वागी सजुष्ट भादने लक्ष्मी रिजस्सचा भक्षसी यास्यास्ते हिदसम्भी सिंगमह भजे हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम राम राम, राम राम हरे जनस कृष्णाद विमुख शैवाद अधर्मशिला सुखित सनो ग्रह चरती नून भूतादनस जनस कृष्णाद विमुख शैवा अधर्मशिला सुखित स अनुग्रहाये हो चरंति नूनम भूता गौरी गोष्ठीपति श्री शिल भक्ति सिद्धांत सरस्वती को समेट भगवान परमोश जगत गुरु जी ने बताए भगवान बलराम नित्यानंद गुरु वैष्णव का रूप धारण करके इस जगत में बद्ध जीवों को उद्धार करने के लिए विचरण करते रहते हैं गौरी गोष्ठीपति श्री शिल भक्ति सिद्धांत तो सरस्वती गोस्वामी समीप हो से जगत गुरु जी ने बताए आकर गुरु तत्व बलदाव जी महाराज गुरु पात पद्म का रूप धारण करके सदगुरु वैष्णव का रूप धारण करके इस जगत में विचरण करते हैं बद्ध जीवों को उद्धार के लिए भी भगवान डायरेक्ट इस जगत में जीवों को उद्धार के लिए आते हैं कथा कदाचित जैसे गोरंगमाप लेकिन अक्सर ये नियम है भगवान बल्लाव जी महाराज आकर गुरु तत्व तो, अलग, अलग अलग गुरु सदगुरु वैष्णव का वेश धारण करके जगत में विचरण करते रहते हैं कहाँ कौन बद्ध जीव कैसे किस हालत में है वो उद्धार चाहता है कि नहीं उद्धार का व्यवस्था करने के लिए जी महाराज विचरण करते हैं जनो स विमुख सो दैवाद कृष्ण विमुख भगवत विमुख भगवत विमुख जितना सारे वद्ध जीव हैं भगवत विमुख जीवों को अकल नहीं है बद्ध जीव दुनिया का ये तमाम व्यवस्था देखकर सूरज चंद्रमा धरती आसमान जल वायु फूल पौधा सब देखने का बाद भी इनको बिल्कुल ध्यान नहीं आता है। कि इन सब चीज़ों का सृष्टि किसने किया है इट इज़ नॉट एन एक्सीडेंट इज वर्ल्ड इज एन एक्सीडेंट असुर लोग जो लोग असुर लोग ये लोग कहते हैं द वर्ल्ड इज एन एक्सीडेंट अच्छा लेकिन शास्त्रों में पूरा प्रमाण है विश्व श्रृष्टा है भगवान है भगवान दयालु है जगत में गुरु वैष्णव का रूप धारण करके जगत में वितरण करते रहते हैं बेस्टी गुरु और समष्टि गुरु का भी कंसेप्शन हम लोगों ने सुना है विचार बेस्टी गुरु और समष्टि गुरु का विचार सुना है गुरु मतलब बल्लाजी महाराज गुरु वैष्णव का रूप धारण करके जगत में अवतीर्ण होते हैं हमारा गुरु पाद पद्म शिला परमंश भक्ति पोतपुरी के महाराज आपके गुरु पद परमांश सिला भक्ति श्रीधर महाराज इनके गुरुपाद पद्म परमांश शिला सिंह महाराज ऐसा अलग अलग रूप धारण कवि भक्ति सिद्धांत सरस्वत परमंश गुरु गौर किशोर जी महाराज ऐसा करके भक्ति विनोद ठाकुर से ल सचिनद भक्ति विनोद ठाकुर ये परमं गुरु वैष्णव का रूप धारण करके भगवान इस जगत में विचरण करते हैं देखते हैं कैसे किसको उद्धार किया जाए जो लोग बिल्कुल असूर भाव है जो लोग बिल्कुल गुरु वैष्णव भगवान शास्त्रों का पूर्ण खिलाफ़ है इन लोगों को तो बचाने का खूब बहुत मुश्किल है यनोस्व कृष्णाद विमुख सदर ये हैं बेस्टी गुरु का कंसेप्शन अलग अलग गुरु का रूप धारण करके भगवान जगत में विचरण करते हैं हमको बचाने के लिए और समस्त गुरु का कंसेप्शन है समस्त गुरु तत्व तो एक साथ जहाँ से आता है जो सोर्स से इसका नाम है समष्टि गुरु तत्व तो। किसी ने पूछा महाराज गुरु पूर्णिमा का दिन में गुरु पूर्णिमा का दिन में गुरु पूजा है हाँ और हमारा गुरु पूजा तो दुर्गा पूजा का चतुर्थ तिथि में है तो ये और इनके गुरु प्रपात का आविर्भाव है पंचमी कृष्ण पंचमी माघी पंचमी क्या बात है ये भी तो बैस पूजा गुरु पूजा है हाँ ये भी बैस पूजा है ये भी बैस पूजा है गुरु पूजा है और गुरु पूर्णिमा का दिन जो बैस है ये भी पूजा गुरु पूजा बोले कैसे एक जैसे लगता है अरे महाराज जो जो गुरु वैष्णव जिस तिथि को अवलंबन करके आविर्भाव लीला प्रकट करते आविर्भाव लीला को प्रकाश करते हैं जैसे प्रभुपात माघी कृष्णा पंचमी ये तिथि को आश्रय करके आविर्भाव हुआ है भक्ति में ठाकुर जी ने गौदाधर पंडित का तिरोभाव तिथि इस दिन तिर्भाव किए हैं वैष्णव लोग का आविर्भाव तिरा इसको ध्यान देना है इसमें तो तमाम गुरु ये तो हमारा अपना अपना जो गुरु है जो अपना अपना गुरु तत्व तो तो है गुरुभाव है गुरुदेव है ये गुरुदेव का हमारा गुरुदेव का तिथि आज है आपका परशु है इनके दस दिन बाद है ये चलते रहते हैं ये सदगुरु है सदगुरु हैं तो ज़रूर लेकिन ये सदगुरु अलग अलग मूर्ति बल्ला जी महाराज पकड़ के हमारे पास आते हैं निताय चरण सत्तो चरण निताय चरण सत्व तहारो सेवक नित्य नितय चरण सदा आस नितय कमल का चरण कमल इटरनली प्रेजेंट नित्य और नित्यानंद चरण में जो गुरु वैष्णव बसे हुए हैं जो शुद्ध गुरु वैष्णव नित्यानंद चरण में बसे हुए हैं ये लोग का भी नित्य है नितय चरण से नितय चरण सत्व तहारो सेवक नित्य निताई चरण सदा करो आज ये गुरु आज ये गुरु पूर्णिमा के तिथि में समि गुरु तत्व का पूजा है गुरु तत्व एक है गुरु तत्व एक है अनडिवाइडेड तत्व है गुरु तत्व और गुरु तत्व को मूल में देखा जाए तो बल्ला जी महाराज स्वयं तो तमाम गुरु तत्व तो तो चाहे रामा रामानुज संप्रदाय का कोई सदगुरु हैं माध्वाचार्य संप्रदाय का कोई सदगुरु है कोई अगर निम्बार्क संप्रदाय का सदगुरु है कोई भी है विष्णु स्वामी संप्रदाय का सदगुरु हैं कोई भी है हमारा गौड़ियो संप्रदाय का सदगुरु जो हैं सारे जो सदगुरु हैं तमाम सदगुरु का सोर्स एक जगह है तमाम सदगुरु जगत में तमाम सदगुरु का सोर्स एक जगह है इसका नाम है बलराव जी महाराज ये तमाम सदगुरु का एक साथ आज ओवरऑल आज ओवरऑल गुरु पूजा आज हमारा तमाम गुरु तत्व का सदगुरु तत्व का एक साथ ओवरऑल गुरु पूजा होने जा रहा है इसका नाम है गुरु पूर्णिमा और विशेष करके इस गुरु पूर्णिमा का दिन शिला सनातन गोस्वामी पाद जी ने अपना शरीर को छोड़ दिया इसलिए ब्रजवासी लोग भी इसको मानते हैं मुरिया पूर्णिमा मस्तक मुंडन करके और बाबा को सम्मान देते हैं सनातन गोस्वामी जी को सम्मान देते हैं बाबा को अपना मस्तक मुंडन करके परिक्रमा गिरिराज करके बाबा के याद करके बाबा को आरती उतारते हैं तो जनस् कृष्णाद विमुख सदैवाद दहीवाद अधर्मशील से सुदुखित जो अधर्म धर्म और अधम दोनों ही जगत में है जिसका जो इच्छा है वो पालन करें किसी का इच्छा है अधर्म पालन करें तो अधर्म पालन करें किसी का इच्छा है तो धर्म पालन करें फिर भी ये धर्मों और अधर्मों का जो कंसेप्शन है इसमें एक विशेष बात है भागवत धर्म भागवत धर्म ही एक्चुअल भागवत धर्म ही एक्चुअल है धर्मों आत्मा का बाकी जो जनरल कंसेप्शन है धर्मों का नाम पे जो जनरल कंसेप्शन जगत में चल रहा है ये तो आम आदमी फॉलो करेगा हमारा तो कुछ नहीं है ये बोलेगा ये करो वो बोलेगा वो जनरल कंसेप्शन है शरीर का भी एक धर्म है शरीर धर्मों समाज धर्मों लोग धर्मों वेदो धर्मों सब ये अलग अलग सा इंडिविजुअल धर्मों का कंसेप्शन है लेकिन आत्मा जो है शरीर तो अनित्व है जगत अनित्व है शरीर अनित्व है, शरीर अनित्व है नहीं आओ शरीर 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 तो जाने वाला है शरीर तो जाएगा ही छोटे छोटेगा शरीर अनित्व है शरीर शरी शरी का साथ रिलेटेड जो कोई रिलेटिव है कुछ भी है सब नाशवान है सब नाशवान जगत नाशवान है तो इनमें जो जनरल रिलेटिव कंसेप्शन ऑफ धर्मों जो चल रहा है रिड़िक ये तो नित्य नहीं है ये ठीक है चल रहा है लेकिन ये तो नित्य नहीं है जब बो जब शरीर नित्य नहीं है समाज नित्य नहीं है ये अनंत ब्रह्मांड जो है ये भी नित्य नहीं है तो इनके धर्मों से क्या लेना देना है हमारा लेकिन आत्मा तो नित्य है आत्मा तो नित्य है महाराज शरीर छूटेगा तो आत्मा छूटता नहीं है आत्मा तो छूटता नहीं आत्मा निरंतर तो है आत्मा तो नित्य है आत्मा का नित्य है आत्मा का धर्म भी नित्व है आत्मा अगर नित्य है आत्मा का धर्म भी तो नित्व है यही तो है न हन्न ते हन्न माने शरीर शरीर को काटने से शरीर को जलाने से शरीर को कुछ भी करने से कुछ नहीं होता कुछ नहीं होता इसीलिए आत्मोधर्मों का बारे में भागवत जी महापुराण में है भागवत धर्म जिसको आत्मोधर्म बोला जाता है जिसको जैवो धर्म बोला जाता है इसी का बारे में श्री चैतन्य महाप्रभु पर अखिलेश्वर हैं अनंत ब्रह्मांड नायक परात्पर अखिलेश्वर भगवान जिन्हें आत्म धर्मों का बारे में बोला है और आत्मोजर और आत्मोधर्मों को किसी बद्ध जीव का अंदर में जगाने के लिए संकीर्तन नाम संकीर्तन के बारे में बोला है दैट इज द इजिएस्ट वे पिछले दिन हम चर्चा कर रहे थे कैसे श्री चैतन्य महाप्र का तत्व तो, श्री चैतन्य मुख्य अवतारे ही मुख्य हेतु कृष्ण संकीर्तन प्रचार आदि उसके बाद हम बोला था त्वंग भक्ति योग परिभावित तो हिस्सो जसे से पथन पतन गुम सम ये सब श्लोक का चर्चा किया भक्ति योग के द्वारा भक्ति योग के द्वारा विभावितो हृदय में भक्ति योग के द्वारा विभावित तो हृदय में जिस स्वरूप का चरण में आपका भक्ति है भाव है प्रेम है ये इसी का मुताबिक शुतिक्षित पथो ये रास्ता पहले आँखों से देखने का रास्ता नहीं है ये जो रास्ता है जैसे आम आदमी आँखों के द्वारा देखता है कहाँ कुछ है लेकिन ये आँखों के द्वारा देखने का वस्तु नहीं है आँखों का द्वारा देखने का वस्तु ये नहीं है पहले कानों के द्वारा सुनने का वस्तु है और श्रुतिक्षित श्रुतो पहले ये तत्व वस्तु श्रवण का श्रवण विवर में अर्थात हमारा ये जो रिसेप्शन ऑर्गन है ये इसका अंदर में प्रविष्ट होगा भगवान का बारे में भगवत तत्व के बारे में इसके बाद श्रुतिक क्षित अर्थात कानों के द्वारा प्रविष्ट होके हृदय में प्रविष्ट होगा उसके बाद हमारा दर्शन का विषय बनेगा भगवान हमारा दर्शन का विषय बनेगा तो त्वंग भगवान आप भक्ति योग परिभावित हो भक्ति योग के द्वारा विशेष रूप से परिभावित तो हृदय में आप हृदय में आविर्भाव होके दर्शन देते हो भक्तों को जैसा जिनके भाव हैं ऐसा दर्शन देते हो कोई राम लाला का भजन करें तो थोड़ी कृष्ण भगवान दर्शन दे इष्ट देव का ही दर्शन होता है आ ससे सुतिकक्षित बतन अनुनाथ निश्चित रूप में असी उसी रूप में उसको कीपा करने के लिए पधारते हो जैसे परिक्रमा खंडों में लिखा हुआ है नवद्वीप में एक ब्राह्मण शुद्ध ब्राह्मण बसते थे और वो बराहो भगवान का कोलोद्वीप में पूजा करते थे हर वक़्त बराहो भगवान का परिक्रमा खंडों में है तो बराह देव का बड़ा भारी प्रेम से पूजा करते थे वो बराह जी महाराज ऐसा करते करते एक दिन बराह जी प्रकट हो गया प्रकट हो के दर्शन दिया आशीर्वाद किया तो ऐसा ही है तुलसीदास जी एक दफ़े कांच मंदिर जिसका नाम है हमारा गोपेश्वर महादेव का सामने और गेंद गुदरी इसका नाम है गेंद गुदरी ज्ञानगोद्री जहाँ गुदरी जो जगह का नाम है जहाँ जमुना का किनारे उद्धव जी महाराज गोपियों को उपदेश देने के लिए आया था उद्धव जी महाराज वृंदावन में जमुना जी का किनारे इसी जगह पे उपदेश देने के लिए आए थे इसका नाम है गुदरी और उद्धव जी ज्ञान लेके चले गए ज्ञान देने के लिए आए लेकिन ज्ञान लेके चले गए उद्धव जी कई सारे उद्धव क्यारी है गांव पे बहुत सारे ऐसा है तो ये इसका सामने है एक कांच मंदिर बोल के मंदिर है ज्ञान गुदरी का सामने हम गया था वहाँ उसका बगल में श्री तुलसीदास जी महाराज आके भजन की भजन करते करते बड़ा प्रेम से भजन की और भगवान श्री कृष्णों प्रकट ये तो ये लोग रामानुज संप्रदाय रामानंदी संप्रदाय में ऐसा विचार वो लोग बताते हैं कि ये जो तुलसीदास जी हैं तो पहले बाल्मीकि मुनि थे ये लोग कहते हैं जो तुलसीदास जी हैं वो वाल्मीकि की मुनि थे पहले वाल्मीकि की मुनि और जो भी हैं वो लोग का विचार है तो ये तो मामूलियात भी नहीं है तो तुलसीदास जी रामलाला का तो दर्शन पहले ही कर चुके हैं लाम लाला का दर्शन तो पहले ही कर चुके हैं और अभी वृंदावन में आए किस भावना लेके आए कौन जाने संत महात्मा का ये बड़ा महिमा है आश्चर्य है ओ भजन करते करते भगवान श्री कृष्ण आए और बड़ा आनंद से गदगद हो गए और दंडवत की बोले प्रभु मैं तो जानता हूँ कि आप ही राम लाला हो आप ही भगवान श्री कृष्ण हो इसका बारे में कोई गुंजाइश है नहीं लेकिन कृपा करके मेरा इष्ट देव का रूप में आप दर्शन दे दो बड़ा भारी मेहरबानी होगी आपका है आपकी मेरा मेहरबानी होगी तो कृपा करके कृष्ण भगवान अंतर्धन किए राम लाला का रूप में प्रकट हो गए तो जय जो जिसका इष्टोदेव है जो जिसका इष्टोदेव है जिस मंत्रों का उपासना करते हैं और जिस भावना लेकर भजन करते हैं भोजन भोज क्या कहें भजन में जो भाव भजन में जो भावना रख के भजन करोगे भजन में जो भावना रख के आप भजन करोगे सिद्धि में तो वही मिलेगा ना भजन भाभी भाई जहाँ सिद्धि तो मिली बेता भजने भाजी वे भजन भाभी भी जहाँ सिद्धि तो मिली था। भजन का समय में जिस भावना लेके नाम करोगे पाठ करोगे का उसी भावना लेकर भगवान दर्शन देगा और क्या ऐसा ही है तो इसीलिए त्वंग भक्ति योग परिभावित तो हो सरो जो आशा से सुतेक्षित पतन अनुनाथ पहले श्रवण करो श्रोवण करने के बाद हिश्रोवण तो शब्द यहाँ जाएगा यहाँ दर्शन होगा नॉट दैट आंखों के द्वारा दर्शन करेगा सुशुतिक्षित तो पतन नाथ तो पुंगसम आर जद जद धिया तो उर्गाय भगवान आपको जद जद धिया जिस भावना लेके इष्टदेव तो ले तो भाव का जिस भावना लेके जद जद धिया त उर्गाय विभावती। उरुक्रम भगवान का जिस भावना लेके भजन करे इष्टदेव तो का, का तदवपु प्रणय से सद कोई अगर रामला का भजन करे कृष्ण भगवान दर्शन नहीं देंगे कोई अगर कृष्ण भगवान का भजन करे तो रामलीला थोड़ी दर्शन देगा ऐसा नियम है ये श्लोकर और तो संख्य प्रसार भक्तर इच्छाए कृष्ण सर्वो अवतार भक्तों का इच्छा मद भक्त्यानम विनोद आर्थम करोमी विविधा लीला हाँ भगवान कहते हैं हम हमारा भक्तों का आशा इच्छा पूर्ति करने के लिए मैं लीला करता हूँ ऐसे तो मोरा कोई काम नहीं है तो भक्तों का इच्छा कृष्ण का सर्व अवतार है आ चतुस्थो हो सुनिश्चित अवतीर्णो हइला गौर प्रेम प्रकाशित है गोरंग महाप्रभु कलिकाल में प्रेम धन प्रचार करने के लिए देने के लिए बंटवारा करने के लिए पधारी हुए हैं श्री रूप शिव रूप श्री रूप रघुनाथ पद यजार श्री चैतन्य चो, चो, चरित्र में तो कहे कृष्णदास हर हर एक चैप्टर का बाद श्री कृष्णदास कविदास का अपार महिमा गुरुवर्गो का महिमा प्रकाश करने के लिए हर एक चैप्टर का बाद अंतिम में श्री रूप रघुनाथ पद यजार आज जिनके मन प्राण श्री रूप रघुनाथ के चरण में समाहित रूप में अवस्थित हैं और कृष्णदास यही चैतन्य यही कृष्णदास ने जिनका मन श्री रूप रघुनाथ का चरण कमल में समाहित है इन्होंने ही श्री चैतन्य चरता कहने का प्रयत्न किया श्री रूप रघुनाथ पौधे यार आस चैतन्य चरितमित्व कहे कृष्णदास इति श्री चैतन्य चरतामिते आदि खंडे आशीर्वाद मंगलाचारणे चैतन्य अवतारो सामान्य कारणम नामो तृतीय परिच्छेद परिच्छेद हाँ समाप्त अभी चतुर्थो परिच्छेद में नया परिच्छेद में हम लोग प्रविष्ट होने जा रहा है नया चैप्टर पे यह चतुर्थ परिच्छेद चतुर्थ परिषद में चतुर्थ परिषद चतुर्थ परिच्छेद में भगवान का आ, नाना तत्वों को प्रकटित किया है कैसे चैतन्य महाप्रभु का निगुड़ो चैतन्य महाप्रभु का अवतार का सामान्य लक्षण श्री चैतन्य महाप्रभु जी का अवतार का सामान्य लक्षण ये नाम संकीर्तन प्रोजा लेकिन निगुड़ो लक्षण दो तो गुप्त रूप में किस लिए आए हैं इसका पीछे गहरा विचार जो है इसी चैप्टर में खुलासा होने जा रहा है आप ध्यान दें, योर अटेंशन प्लीज श्री चैतन्य प्रसादेन तद रूपस्व विनिर्णय शास्त्रम दृष्टा भुजो विलासीन यहाँ बताया जे श्रीचैतन प्रसादन श्रीचैतन्य महाप्रभु का प्रसाद माने कृपा के द्वारा भगवान स्व प्रकाश वस्तु भगवान गुरु वैष्णव सेल्फ एक्सप्रेसिंग ऑब्जेक्ट इनको जोर जबस्ती अपना पैसा का बल से दिमाग का बल से आई एम वेरी इंटेलिजेंट आई क्या ऐसे होता नहीं तो इसलिए बोला स्व प्रकाश वस्तु जो है स्वप्रकाश वस्तु स्वप्रकाश वस्तु स्वयं प्रकाशित होता है किसी वैष्णव को जोर जबस्ती आप समझने जाओ तो होगा नहीं गुरु वैष्णव अगर कृपा करें वैष्णवों का कृपा के द्वारा वैष्णव को समझाया जाए जोर जबरस्ती होता नहीं श्री चैतन्य प्रसादे नद रूपस्व विनिर्णयम ये जो श्री चैतन्य महाप्रभु का प्रसाद माने कृपा प्रसाद मतलब कृपा श्री प्रसाद का मतलब है प्रसन्न होके वाट वाट भगवान गिविंग आफ्टर बीइंग हैप्पी विथ मी वेरी प्रसन्न वेरी सेटिस्फाइड विथ मी इसका नाम है प्रसाद प्रसन्न श्री चैतन्य प्रसाद एनो श्री चैतन्य महाप्रभु कीपा करके अगर कीपा करें श्री चैतन्य प्रसाद एनो चैतन्य महाप्रभु का स्वरूप है गुप्त स्वरूप है श्री चैतन्य प्रसाद एनो तद रूपस्व श्री चैतन्य महाप्रभु के कृपा के द्वारा ही इनके स्वरूप का तदरूपस्व विनिर्णयम विशेष रूप में निर्णय करने जा रहा है अब बोले देखो बालों अगर छोटा सा बच्चा है वो भी चैतन्य महाप्रभु का कृपा मिले तो वो बोल देगा तत्व तो, तो। जैसे अद्वैत गोसाई का बच्चा हमने बोला था छोटा सा बच्चा ए अद्वैत गोसाई का छोटा सा अच्चुतानंदो, अच्चुतानंदो, और के के बच्चा अच्युतानंदो अच्युतानंदो है छोटा बच्चा वो चैतन्य माप का तत्व पूरा जानता है पूरा कवि कर्णपुर बच्चा है कवि कर्णपुर शिवानंद सेन का लड़का है कवि कर्णपुर शिवानंद सेन का लड़का लेकिन महाप्रभु का कृपा हुआ गर्र बोलने शुरू कर इधर बच्चा स्पीकिंग स्लो का आ छोटा सा बच्चा स्पीकिंग ग्लोरिफाइंग एक्सीट ये लॉजिकल इंटरप्रिटेशन कैन नॉट स्टैंड इन द वे ऑफ दूस असम्भव बालोपुर कुरुते शास्त्र दृष्ट ब्रजोव एक बच्चा भी कुरुते शास्त्र दृष्टवा शास्त्रों को देख के शा, शास्त्रों को देख के कुछ भी समझें बालो ऊपी अर्थात गौर कृपा के द्वारा ब्रजेंद्र नंदन है शस्त्रिष्टा ब्रजोविलासिन अर्थात ब्रजेंद्र नंदनसो मैने बालोपी कुरुते शास्त्र दिष्टा ब्रजो विलास करने वाले ब्रज में बिलास करने वाले भगवान ब्रजेंद्र नंदन एक बच्चा भी गौरंग महाप्रभु का कृपा हो जाए ये ब्रजेन्द्र नंदन कृपा अर्थात राधा कृष्ण अभिन्न गौर रूप से तत्व तो, 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 तो निर्देशम कुरुते एक बच्चा ऑटोमेटिकली वो समझ जाते हैं सब कुछ जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय दैत्यचंद जयो गौरभक्त जयो जयो श्री चैतन्न जय नित्यानंद जय द्वैत चंद जयो जय गौर भक्त बिंदु चतु चतुर्थ तो श्लोक अर्थ हो कोईल पंचम श्लोक अर्थ हो दिया मन ये जो श्लोक पहले किया था याद है ना आपको याद नहीं है पहले एक नंबर दो नंबर तीन नंबर चार नंबर पाँच नंबर ये पाँच नंबर जो श्लोक है ये जो पहले जो शुरुआत में ही बोला था ना पांच नंबर भगवान का अवतार अवतरण का गुप्त रहस्य जो है पांच नंबर ये जो पांच नंबर राधा कृष्ण प्रणय लादिन है राधा कृष्ण प्रणय विकृतिर्लादीन एकात्मनो एकात्मनि देववद गौ तौ तो। मधुना प्रकटमधुना तद्वय तो चित राधा भाव दूति सबलितम नौमी कृष्ण स्वरूपम ये जो राधा कृष्ण कृष्णपुर आ इसका बारे में ये सब तत्व पंचम श्लोक तो सुनो दिए मन मूल श्लोक अर्थ करिए प्रकाश चतुस्थ श्लोक अर्थ हो यही को प्रेम प्रचारण प्रेम प्रचार करने के लिए हमारा प्रभु जी का अवतार का ये कारण है लेकिन और कई सारे कारण हैं लेकिन ये आम आदमी के लिए ये कारण मुख्य कारण है लेकिन गहरा विचार भी और है तो चतुर्थ के देखा नाम प्रेम प्रचार करने के लिए जो हमने चतुर्थ श्लोक क्या बोला अनर्पित चरिंग चिरात करुणावती समर्पयत उन्नत उज्जवल शाम सभक्ति श्रेय हरि पूर्ण सुंदर कदम संदीभित सदा हृदय अंदर सचिन नाम प्रेम प्रचार कर तो सत्यो यही हेतु किंतु यो बहिरो सच्चा बात है ये भी कारण है और जरूर ये हेतु नाम प्रेम प्रचार करना प्रभु का तो ये तो है ही है लेकिन ये सच्चा है लेकिन इसका इलावा भी इसके अलावा और एक अंतरंग हेतु है, है इसका नाम है बहिरंग हेतु एक्सटर्नल एक्सटर्नल रीजन फॉर वाई भगवान एक हेतु सुनो आचे और अंतरंगो पूर्वे जनो पृथ्वीर भार बारे कृष्ण अवतीर्ण होइला शास्त्री पूजा पहले पहले गीता में लिखा हुआ है जदा जदा धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत तो, अभुत अधर्मस् अदुनम पर हैं और परित्राणायु साधुना बिना सहुष्कृतम हैं भगवान अवतीर्ण होते हैं तो ये पूर्व पहले जैसे पृथ्वी का भार को हरण करने के लिए पूर्व जैसे पहले पूर्व जैसे बहुत आदि काल में पूर्वी जैसे पृथ्वी का भार को हरण करने के लिए कृष्ण अवतीर्णों हुआ है शास्त्रों में लिखा है गीता में भी है और दूसरा शास्त्रों में भी है कृष्ण की जदा जदा ही धर्मस्व ग्लानी भगवत भगव भारत भारत अभुत्वान अधर्मस्व तदात्मान सृजाम हैं धर्म संस्थापनार्थायो परिताना साधुनम बिना ए उसके बाद बोला धर्म संस्थापनाथा यो संभवामी जुगे जुगे धर्म संस्थापन धर्म को संस्थापन करने के लिए भगवान अवतीर्ण होते हैं तो पूर्व जनों पहले जो शास्त्र में लिखा हुआ है पूर्व जनों पृथ्वीर भार हरि भारे कृष्ण अवतीर्ण हैला शास्त्रे पचारे स्वयं भगवान कर्म है भगवान स्वयं भगवान नंदनंदन कृष्णों नीड नॉट कम फॉर दिस सिंपल रीजन धर्मो संस्थापन करने के लिए और पृथ्वी का जो वेट है पाप पाप पापी असुर राक्षस पृथ्वी भड़गिया भगवान को आने का दरकार नहीं भगवान को इस सिंपल कारण के लिए आने का दरकार नहीं इसलिए स्वयं भगवान स्वयं भगवान अगर संप्रदाय प्रवर्तन के लिए आए ये तो उचित नहीं ये सामान्य कारण किसी संप्रदाय प्रवर्तन फिर पृथ्वी का भार हरण करके काट पीट के उसको असुर लोगों को विनाश करो इसके लिए निंदानंद नंदनंदन श्री कृष्ण भगवान का आने का ये मामूली कारण है सामान्य कारण है स्वयं भगवान नहीं भार हौरण सृष्टिकर्ता विष्णु करें जगत पालन भगवान श्री कृष्ण को आने का दरकार नहीं है भगवान विष्णु जगत का भार हरण करें धर्म संस्था भाई विष्णु के द्वारा हो जाता है भगवान का आने का दरकार नहीं है स्वयं <laughs> भगवान कर्मो नहीं भार हरण स्थिति करता विष्णु करें जगत पालन सृष्टि सृति पोल सृष्टि का लिए सृष्टि का लिए पावर दिया है सृष्टि का लिए पावर ट्रांसलेट किया है भगवान ने ब्रह्मा को ब्रह्मा सृष्टि का रचना करें विसर्ग और विष्णु जगत का पालन करें और शंकर भगवान जगत का धंस करे, करें नाश करें यहाँ जो सृष्टि सृति और पोला है ब्रह्मा जगत का सृष्टि करे विष्णु जगत का पालन करे और शंकर जगत का नाश करे डिस्ट्राक्शन लेकिन इसमें जो ब्रह्मा विष्णु महेश्वर इसमें जो विष्णु हैं विष्णु सात्विक ब्रह्मा ब्रह्मा रजोगुण का इंचार्ज है विष्णु शतगुण का इंचार्ज है और तमोगुण तो का इंचार्ज है शंकर लेकिन फिर भी रजोगुन का इंचार्ज ब्रह्मा ये मेटीरियल है इस जगत का रजोगुन के विभावित है इस जगत का तत्व है इस जगत का अंदर का तत्व है भी ब्रह्मा तत्व में और एक तत्व है जो भगवान स्वयं जब भगवान स्वयं ब्रह्मा बन के आता है उसका बात अलग है लेकिन जो जगिन जो कि क्या कहें उच्च उच्च कोटि का कोई जीव उच्चो कोटि का कोई जीव उच्चो कोटि का कोई जीव ब्रह्मा का पोस्ट लेता है उच्चो कोटि का कोई जीव ब्रह्मा का पोस्ट तब तो यह ऐसा ही है तो ब्रह्मा रजोगुण से विभावित है रजोगुन मेटेरियल क्वालिटी एंड शंकर तमोगुन से विभावित हैं तमोगुण का इंचार्ज है इसलिए शंकर भी मेटेरियली कंडीशन लेकिन विष्णु जो शतोगुन का इंचार्ज है विष्णु विष्णु शतोगुन का इंचार्ज होते हुए भी दो वी नो विष्णु इज द इंचार्ज ऑफ शतोगुण स्टिल विष्णु इज बियॉन्ड दिस माया बट ब्रह्मा शंकर विद इन माया दिस शुड नॉट बी देयर शुड नॉट बी एनी मिस्टेक अबाउट दिस यद्यपि ब्रह्मा विष्णु महेश्वर तीन जगत को सृष्टि पालन और धंस करता है फिर भी विष्णु तत्व ऑलवेज बियउन्ड माया दो इज गोइंग टू टेक बिकम द इंचार्ज ऑफ सतु गुण ये स्वयं भगवानेर कौर्मो नहे भारण भारण पृथ्वी का जो बोझ है पृथ्वी तक पृथ्वी का जो बोझ है भार है वेट है जितना सारे ओसुर राक्षस ने अव्यवस्था फैले हुए है चारों ओर अत्याचार कर रहे हैं लूट फूट कर रहे हैं ये असुरों को मारना ये पृथ्वी का वेट जो है पृथ्वी का भार को नाश करना ये स्वयं भगवान का काम नहीं है ये मामूली सी काम है स्वयं भगवान कर्म भार और सृष्टि स्थिति औरता विष्णु करें जगत पालन किंतु कृष्णर जय हए अवतार काल लेकिन कृष्णों का जिस समय अवतार का टाइम अवतारण का समय पक्का होता है किंतु कृष्णों का जय हए अवतार काल भारण काल तते हुए निशान इट इज़ कोइंसिडेंट, जब भगवान श्री कृष्ण अवतीर्ण होने वाला है ये कोइंसिडेंट है भगवान श्रीकृष्ण अवतरण करने जा रहा अब बाय चांस दैट टाइम बिकम सेम विद भारण काल व्हेन भगवान नीड टू कम एंड क्लीन दिस अर्थ आर्थ क्सिडेंटली स्वयं भगवान कर्म नए भारण हरण करता विष्णु करें जगत पाल किंतु कृष्णर जेई है काल भार हरणकाल तईल मिसाल भार हरण व भगवान जब भार हरण करने के लिए अवतीर्ण होते हैं उस समय बाई चांस भगवान श्री कृष्ण का अवतरण काल एक हो गया किंतु जय जयी अवतार काल भार हरण काल ते हो मिसाल भार हरण का काल उस समय को एक हो गया पूर्ण भगवान अवतारे पूर्ण भगवान अवतरे जय काले आर सब अवतार तत्या से मिले जब पूर्णो जब जब स्वयं रूप भगवान जब जब स्वयं रूप भगवान परत परेश्वर भगवान श्री कृष्णो अवतीर्ण होते हैं भगवान श्री कृष्ण का अंदर में तमाम अवतार अवतारी सब हैं अव वो तो स्वयं अवतारी मतलब भगवान श्री कृष्ण जब अवतीर्ण होते हैं भगवान श्री कृष्ण के साथ सारे अवतार उनके शरीर में है राम बराहो निशिंगो कर्मो महोत्सव सब कृष्ण का शरीर में है किंतु कृष्णेर यही है अवतार काल भारण काल ताते हो विशाल पूर्ण भगवान अवतरे यही काले आर सब अवतार ताते ऐसे समस्त अवतार वैन भगवान स्वयं रूप भगवान कृष्ण अवतार जेखाले, जेखाले, सब अवतार इनके शरीर में आके पूर्ण भगवान अवतरे पूर्ण भगवान अवतरे जय काले जय काले सब अवतार ताते से मिले दे इन हिम नारायण चतुर्भु वासुदेव शंकरसन सन अनिरुद्ध पदुन्न और चतुर्भु মৎস্য অবতার কুর্ম অবতার যুগ অবতার মনন্দন অল ডিফারেন্ট কাইন্ড অবতার শক্ত অবতার ওয়াট নট এভ্রিথিং অল কামিং উইথ ভগবান শ্রী যুগ মন্নন্তর অবতার যত আছে আর সবে আসি কৃষ্ণ অঙ্গে হয় অবতীর্ণ সব কৃষ্ণ সাথ কৃষ্ণ শরীর অবতীর্ণ হতে অবতারে কৃষ্ণ ভগবান পূর্ণ ইসকে কারণ ভগবান পরিপূর্ণ রূপ पूर्ण परिपूर्ण भगवान पूर्ण अतएव तो विष्णु जखन कृष्णेश्वरी सो so, ए इट नेचुरल जब विष्णु भगवान श्री कृष्ण का शरीर का अंदर में है तो कौन सी बात है अतएव तो विष्णु जखन कृष्णेश्वरी जब विष्णु कृष्ण का शरीर के अंदर में उपस्थित है तो विष्णु का दा बाई विष्णु इफ कृष्ण गोइंग टू डू समथिंग तो व्हाट रॉन्ग कृष्णो नीड नॉट गो टू कील एट डेमोन किष्णो हैज नो टाइम ये ऑन द प्लेइंग ऑन स्वीट्स एंड प्लेइंग विथ ब्रज लेकिन कृष्णो का शरीर में जो विष्णु है ये निकल के असुर को मारते हैं कृष्णो नॉट गोइंग पीपल वॉचिंग कृष्ण की स्नो मारते नहीं कृष्ण टाइम नहीं ऑल वे स्पोर्टिंग हूक प्लेइंग कृष्ण नॉट कैचिंग एनी वीप ऑन नथिंग ना लाइक गौरंग गौरंगो नॉट सो ऑल विष्णु कृष्ण का शरीर के अंदर विष्णु है विष्णु निकाल के काटते हैं अतएव तो विष्णु जखन अतएव तो अतएव विष्णु जखन कृष्ण शरीर है अतएव तो विष्णु जखन कृष्ण शरीर है विष्णु द्वारे कृष्ण करे असु संहारे विष्णु द्वारे कृष्ण करे असु संहारे एक्चुअली कृष्ण नॉट डुईंग विष्णु अनुसंग कर्म असुर मार असुर को मारना ये जुग, ये सब जो चीज़ है अनुसंगिक कर्म है एंसिलियरी रीजन है कि ओ अनुसंग कर्म ही असुर मारन किल किसुर इज नॉट ए बिग इश्यू विष्णुगण सो अनुसंग कौरमय असुर मारन जे लगी अवतार को से मूल कारण सो सियोरली कृष्णो निड नॉट कम टू मेक द वर्ल्ड फ्री ऑफ दिस वेट ऑफ द असुर एज अ वेरी सिंपल रीजन सो कृष्णदास कोविराज गोस्वामी कह रहे हैं नाउ आई एम गोइंग टू द ओरिजिनल एंड सिक्रेट रीजन फॉर वाई कृष्ण कैम আনুষঙ্গ কর্মই অসুর মারণ যে লাগে অবতার কহি সে মূল কারণ প্রেম রস নির্যাস করিতে আস্বাদন প্রেম রস নির্যাস প্রেম রস নির্যাস করিতে আস্বাদন রাগ ভক্তিলোকে করিত প্রচারণ রাগ মার্গ নবিনোস ভগবান ক্যা प्रेम रस निर्जास कुरित आस्वादन और रागमार्ग भक्ति लोके रागमार्ग का भक्ति जगत में जनाने के लिए रागमार्ग ये रागमार्ग ये रागमार्ग क्या है ये रागमार्ग क्या है ये रागमार्ग के द्वारा कैसे तुम भगवान को प्यार कर सकते हो सेवा कर सकते हो इसको समझाने के लिए रागमार्ग भक्ति लोके कुरी तो रसिक शेखर कृष्णो परम करुण भगवान नंदन नंदन कृष्णो आउट ऑफ एस मर्सी थिंकिंग अगेन एंड अगेन है हम अवतीर्ण होके ये रागमार्ग भक्ति प्रेम प्रेम रस निर्ज आस्वादन करेंगे और रागमार्ग के द्वारा लो रागमार्ग को जगत में हम स्थापन करेंगे जैसे सब भक्तों लोग समझेगा कैसे भगवान को प्यार किया जाए ये रागमार्ग के द्वारा कैसे प्यार के इसको समझाने के लिए प्रेम रस निर्जास कोरित स्वादम प्रेम रस का निर्जास आस्वादन करने के लिए और रागमार्ग भक्ति क्या चीज़ है इसको जानकारी देने के लिए रसिक्स शेखर कृष्ण परम करुण रौसिक शेखर कृष्ण नंदन नंदन कृष्ण परम करुण ये दो कारण हैं ये दो हेतु दु ये दुई हेतु हई थे इच्छा और उद्गम ये दोनों इच्छा डिजायर ये दोनों डिवाइन डिजायर इन साइड भगवान ये दुई हेतु हे थे इच्छार उद्गम कहने ज्ञानते सब जगत मिश्रित हो ऐश्वर्य के द्वारा प्रेम स्टेबिलिटी नहीं प्राप्त हुआ जैसे उदाहरण दे दे कंसो का कारागार में मथुरा मथुरा कौसो कारागार में इनसाइड द जेल ऑफ कांस मथुरा कृष्णो आविर्भाव हुआ कृष्ण आविर्भाव हुआ कहा वसुदेव दुबो वसुदेव दैबकी को आश्रय करके कृष्ण आविर्भाव हुआ वो कैसे बाबा बोले शंख चक्र गदा तो अबीर बाबुआ अविर्भाव होने के बाद क्या हुआ वसुदेव दैव की का अंदर में भावना ओश्जो ओ भगवान भगवान शंख चक्र गदा पद्मधारी भगवान भगवान कहते हैं हमने शंख चक्र गदा पद्म लेके तुम्हारा लड़का का रूप में आए हैं हमारा लड़का हाँ आपका लड़का बोला हमारा लड़का शंकु चक्र को लेके कैसे मेरा हाउ आई कैन एक्सपेक्ट माई सन इज विद शंको चक्र को आई कैन नॉट एक्सपेक्ट ओ भगवान देन देवो की वसुदेव कैन नॉट लव कृष्ण फ्रीली बेगो ऐश्वर्य ओ oh, भगवान भगवान ऐसा करके स्तुति किया वसुदेव जी स्तुति किया देवो की मैया ने स्तुति किया भगवान को स्तुति किया भगवान भगवान ने बोला देखो मैंने इस रूप में तुमको दर्शन दिया इसलिए पूर्व जन्म पूर्व जन्म में पूर्व जन्म में तुमने तुम दोनों हमारा तपस्या किया था तुम दोनों प्रश्न गौरव हो तुम दोनों तपस्या किया था और मेरे को ही लड़का का रूप में मंगा था जब हम बर देने आया था आपने बोला यू ब्लेस मी सो दैट आई कैन गेट अ सॉन लाइक यू लाइक मी लाइक मी नो सॉन इज अवेलेबल आई विल टू माई सेल्फ लाइक मी तो भगवान बोले लाइक like मी होता नहीं मैं एक ही हूँ मास्टर पीस हमको ही आना पड़ेगा तो इसीलिए मैं आया शंक जग्र बदा दो तुमको समझाने के लिए तुमने पहले जन्म में तपस्या किया था मैंने दर्शन दिया वो हमारा आपका लड़का है लड़का लड़का चतुर हुई लड़का ऐसे कैसे हैं बाद में भगवान बोला जे देखो तुम्हारा लड़का का रूप में मैं आया हूँ लेकिन कोई बात्सल्य जो बासल्य है अफेक्शन नहीं आ रहा है कि वो भगवान है ना भगवान बात्सल्य नहीं तो भगवान ने क्या किया चार हाथ पा विड्रॉ कर लिया चार हाथ पा चतुर्भुज रूप विड्रॉ करके एक बच्चा बन गया एक बच्चा करके गोदी में सो गया दैट भगवान टूक द फॉर्म ऑफ ए स्मॉल बेबी एंड केम इन द लैब ऑफ देबोकी देवोकी देंगे माई सोन इज देन गोइंग टू किस सो इस सिंपल एग्जाम्पल जब जब ऐश्वर्य रहता है जब ऐश्वर्य रहता है तो माधुर जो घट जाता है एफेक्शन उतना नहीं होता है। तो इसीलिए इसलिए क्या हुआ जब देवो जब कंसों का कारागार में भगवान श्री कृष्ण देवोकी का लड़का का रूप धारण करके आविर्भाव हुए थे उस समय वसुदेव देवोकी दोनों ही उनको स्तुति करने शुरू कर दिया क्यों उनका चतुर्भुज था शंको चको गाप ये भगवान है भगवान ने कह रहे हैं देखो मैं आपका लड़का बन के आया हूँ एक कैसा लड़का चार हाथ पा है चक्र को हूँ बोले देखो मैंने ऐसे आविर्भाव इसलिए हुआ हूँ क्योंकि आपने आप दोनों ने पहले 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 आपने तपस्या किया था मेरा बड़ा भारी तपस्या किया तपस्या करने के बाद मैं आपका पास वर देने के लिए आया था हमने पूछा क्या वर चाहिए बोले आपका मापिक हमको लड़का चाहिए तो हमारा मापिक लड़का तो होता नहीं हमारा मर के हमारा वहाँ पे लड़का तो मैं ही हूँ इसलिए तो मेरे को ही आना पड़ेगा मैं ही आपका लड़का बन के आऊँ लेकिन भगवान जब चतुर्भुज रूप में आया वसुदेव देवी के आंधे के में कोई अफेक्शन का कोई पता नहीं कहाँ हो गया बाद में जब भगवान अपना चार हाथ सब विड्रो कर लिया बच्चा बन के देवों की मैया का गोदी में लेट गए जब बच्चा बनकर देवो की मैया का गोदी में जब लेट गए तो अब वहाँ वहाँ रोना शुरू कर दिया देवों की शेवूकी देवो ने उसको प्यार किया और पहले जो चतुर्भुज में दर्शन दिया था भगवान ये स्मृति में गायब हो गया क्योंकि स्थिति में अगर रहे इस बच्चा को पाँच मिनट पहले मैंने चतुर्भुज में देखा था प्यार तो एफेक्शन नहीं होगा दे सॉ भगवान इन फोर हैंड दे कैनॉट रिमेंबर

মৎস্যাবতার যুগ মন্নান্তর অবতার যত আছে আর সবে আসি কৃষ্ণ অঙ্গে হয় অবতীর্ণ ঐ সে অবতারে কৃষ্ণ ভগবান পূর্ণ অতএব বিষ্ণু যখন কৃষ্ণের শরীরে বিষ্ণুদ্বারে কৃষ্ণ করে অসুর সংহারে আনুষঙ্গ এক অসুর মারণ যে লাগি অবতার কহি এ মূল কারণ जिसका लिए भगवान का होता है इसका मूल कारण अभी कहने जा रहा हूँ प्रेम रस निर्जास कुरित आस्वादौन राग मार्ग भक्ति लोके करित प्रचारण रसिक शेखर कृष्ण परम करुण यही दुई हेतु हिते इच्छार उद्गम ओश्वर्य ज्ञाने ते सब जगत मिश्रित हो ऐश्वर्य शिथिल प्रेमे नहीं मोर्पित हो जब ऐश्वर्य आता है तो वन काइंड ऑफ एवी फियर स्वीट फियर एफिया, फियर इसलिए ओश्वर्य शिथिल प्रेमे नहीं मर्पित हो भगवान कहते हैं कोई अगर मैं मेरे को ओश्वर्य भावना में प्यार करे पूजा करे ये अच्छा नहीं लगता ओश्वर्य ज्ञाने तो सब जगत मिश्रित हो तमाम ये जो जगत है अनंत ब्रह्मांड सब ऐश्वर्य ज्ञान सब ऐश्वर्य ज्ञान के द्वारा मिश्रित हो ऐश्वर्य शिथिल पर ओश्वर्य ज्ञाने तो सब जगत मिश्रित हो हर जगत में कोई भी भगवान का पूजा करे सबका अंदर में ओश्वर्य है ओ भगवान ओ भगवान बट भगवान डोंट लाइक टू हियर दैट आई एम भगवान आई लाइक टू प्ले विथ यू आई लाइक टू फॉरगेट दैट एम भगवान नो इस भगवान ने बोला ओश्वर्य सब जगत मिश्रित हो ऐश्वर्य शिथिल प्रेमे नहीं मोर पित ऐश्वर्य शिथिल ओश्वर्य ज्ञान के द्वारा मेरे को प्यार करता है इसमें मेरा इंटरेस्ट उतना नहीं है आई डोंट फील वेरी नाइस ओश्वर्य शिथिल प्रेमे नहीं मोर पितो हमारे ईश्वर माने आपना के हीन आय ईश्वर दि वोट इज सिंग आई ईश्वर ओम नमो भगवते वासुदेवाइक टू हियर दिसन स्पीकिंग वेरी कृष्ण वेरी नाइस मोर देन वेद मंत्र वे एन जगन्नाथ पांडा गोइन टू स्पीक ऑल राबी जगन्ना भट जगन्नाथ बिकम वेरी लाफिंग जगन्नाथ प्रेम जवासी राधारानी गोपिका ऑल स्पीकिंग ऑल राविश देन कृष्ण वेरी हैप्पी आह तो इस ये जो जगत है संपूर्ण अलग जगत है से ऐश्वर्य जो ज्ञाने थे सब जगत मिश्रित हो ऐश्वर्य ज्ञान के द्वारा जगत का जो प्यार है सब कुछ को कहो भक्ति सब ऐश्वर्य ज्ञान के द्वारा मिक्स है मिक्स्ड ऐश्वर्य जो ऐश्वर्य ज्ञान है तो सब जगत मिश्रित हो मिक्स है और ऐश्वर्य ज्ञान के द्वारा जो मेरे को पूजन पूजा, पूजा पाठ करते रहते हैं आई फील नो इंटरेस्ट इन इट ये मेरा को अच्छा नहीं लगता है ओश्वर्य शिथिल प्रेमें प्रेम जो है ऐश्वर्य ज्ञान के द्वारा प्रेम डाउन हो जाता है जब कोई लड़का डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है जब कोई लड़का प्रधानमंत्री है देश का इफ एनी बॉडी बिकम प्रधानमंत्री ऑफ कंट्री बट स्टिल कमिंग इन फ्रॉन्ट द ओल्ड मादर इज गोइंग टू टच द लेग एंड मादर गोइंग टू किस इज ने फॉलो लेकिन अगर मादर इफ मादर गोइंग टू ओ ही इज प्रधानमंत्री आई कैनोट ला फुल कंसेप्शन

डार प्रेमे बॉस आम नहीं ही अधीन दिस वे डिबोड इज सिंगिंग आई एम सुप्रीम लॉर्ड दे ए स्मोल जीवा देन आई एम नॉट फीलिंग इंटरेस्ट आई एम नॉट फीलिंग इन ओके भगवान स्पीकिंग ये यथा प्रपदंते तम्य हम अकॉर्डिंग टू बाबा भजन जैसे भजन करे आ उसी भाव लेकर मैं आई लाइक टू पे दैम बैक समझा ये यथाम प्रबोधन थे ये ये यथा मंग प्रबोधन थे तस्तु भजम विथ व्हाट एवर मूड हुए एवर गोइंग टू डू भजन आई मीन एकॉर्डिंग टू दैट आई लाइक टू पे बैक ओ यू हैड डन दिसमी व्हाट इज ये पेमेंट देना चाहते हैं भगवान कैनटीव नो पेमेंट ब्रजवासी नो पेमेंट हाँ यार ईश्वर मान अपना हीन तारेमे बस हम नाम जी भक्त आमा के तो आमा के तो जे जे भक्तो भ्वजेई भावे हमको जो 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 भक्तो जिस भाव जिस भाव लेकर प्यार करता है भक्ति करता है अकॉर्डिंग टू दैट आई लाइक टू पे देम पे देम बैक आमा के तो जे जे भक्तो भ्जेई भावे आमा के तो आमा, आमा के तो जे जे भक्तो भ्जेई जे जे भावे तारे से, से भावे भक्ति ए मोर स्वभावे ইেথাং প্রপদে তুমি সতিব ভ্যহম মমো বনুব মন মনশুত্র মোখা মোর্পুত্র মোর্ সখা মোর্ণপতি এইভাবে জৈ মোরে করে শুদ্ধভক্তি কৃষ্ণ ইজ মাই

जो शुद्ध भक्ति करते हैं मेरे को मेरा बेटा है कृष्णो मेरा पुत्र है मेरा दोस्त है मेरा प्राणपति है ऐसा करके शुद्ध भक्ति अगर करते हैं विदाउट एनी रीज़न कोई रीज़न नहीं है कोई कारण नहीं है कोई पेमेंट नहीं है कोई रीपेमेंट नहीं, नहीं है कुछ नहीं है। तो भगवान कहते हैं आई विकम वेरियर मोर पुत्रो मोर शाखा मोर प्राणपति यही भावे जय मोरे कौरे शुद्ध भक्ति ऐसा माफिक जो मेरे को शुद्ध भक्ति करते हैं मेरा मे, मेरा यार है किष्णों मेरा दोस्त है मोर पुत्रो मेरा बेटा है मोर पुत्तो मोर सखा मोर प्राण पोती यही भावे जई मोरे कौरे शुद्ध भक्ति ऐसा माफिक जो मेरे को शुद्ध भक्ति करते हैं आई लाइक इट वेरी मच देन आई लाइक इट क्योंकि शाखा और जो फ्रेंड और जो पिता माता कोई भी है ये लोग क्या करते हैं कृष्ण भगवान देने व थिंकिंग देने व थिंक कृष्ण में सोन आई कैन स्लैप यू कृष्ण गोइंग टू बीट है ना दे दे कृष्ण लाइक इट वेरी मच है ना आमा के अपना के बड़ो माने आमा के नंद बाबा नंद बाबा जशोदा माँ गोई द चाइल्ड गोपाल हाथ This way you are destroying everything. Then Krishna become very happy because mother think I am mother. It is my duty. Job some demigods, some demigods came in, in dream and speaking to Jagannath Misra. Hey, you are chiding the small boy. You know who is he? whatever he is now he is my son. ইউ নো হুইজ ইউ লাইক টু হিম হ্যাঁ ইউ নো হুইজ ই হোয়াট এভার ইজ হু এভার হুইজ নাই সান ইট মাই ডিউটি সুত্র মোর সখা মোর প্রাণপতি এইভাবে যেই মোরে করে শুদ্ধ ভক্তি এসা মাহফিক মের শুদ্ধ ভক্তি করতে হ্যাঁ আপনাকে বড় মানে আমারে সমহীন সখা यू आर मीन अल सेम यू आर माई फ्रेंड हू आर यू सखा योर फ्रेंड वो कहते हैं हुम आई एम योर फ्रेंड यू आर माई फ्रेंड ये मोर पुत्र मोर सखा मोर प्राणपति भावे जेई मोरे करे शुद्ध भक्ति मेरा बेटा है मेरा शाखा है मेरा प्राणपति है ऐसा भाव लेकर जब शुद्ध भक्ति करते हैं मेरे को कृष्ण कह रहे हैं देन आई लाइक इट वेरी मच हमको अच्छा लगता है और भक्तों अपने को बड़ा मानता है अपना के बड़ों माने और हमारे समोहीन दोस्त है तो समो समान ज्ञान करेगा यही भावे हो अमी तहार उधीन ऐसा मापिक जो शुद्ध भक्ति प्रेम है आई बिकम अंडर इज कंट्रोल ए रागानुगा भक्ति दिस वे वन सम्मोड थिंकिंग देन आई बिकम अंडर इज कंट्रोल ए आई एम टेकिंग उच्चिस्ट ऑफ माई फ्रेंड कृष्ण टेकिंग उच्चिस्ट ऑफ फ्रेंड उच्छिस्ट आर उर गोइंग टू ऑफ आर टू सी एवरीथिंग ओम नमो बट स्टील कृष्ण बट ब्रजवासी आई हैव सीन सम ब्रजमा गोइंग टू गिव मी बिक्का बिक्का ब्रोजमा ए व्विट बाबाइट गिविंग टू कृष्ण टू कृष्ण टू गिवी कृष्ण बेगम प्रसाद उंग सोर स्टील कृष्ण आउट ऑफ लाभ हाँ सोनारे बड़ मान अपना बड़ो मान समहन ये भावे हुई ही अमी तहार उधीन एक ऐसा माफिक हम इसके कंट्रोल में प्रेम का प्रेम का ये जो कंट्रोल है उसमें मैं फंस जाता हूँ प्रेम का अधीन हो जाता हूँ अहम भक्त पराधीनो ही अस्वतंत्र इवो दिजो ये तो कॉमन फैक्टर है वृंदावन में कृष्णो ऑलवेज टेकिंग उच्छिष्ट हो

मई भक्ति भूता अमृतोत्ताय कल्पते दृष्टि यद आसीद मत्स्नेहुभवती न मदापन ऐसा कहते हैं मेरा प्रति मेरा प्रति जीवों का जो भक्ति है यही अमृत है भक्ति अंटू टू माई लोटस पीट इज एक्चुअल अमृतो फॉर ऑल जीवास हमारा चरण में जीवों का जो भक्ति यही अमृत है हे गोपी हमारा लिए तुम लोगों का जो स्नेह है अपेक्षण प्यार है यही एकमात्र तुम लोगों का जिंदगी में मत प्राप्ति मेरे को प्राप्ति किया जो ऐप है यही द रीजन है आप लोगों जो आप लोगों ने गोपियों को कह रहे हैं आप लोगों जो आप लोगों ने जो मेरे को प्राप्त किया है इसका ये यही राज है मेरा लिए आपका ट्रिमेंडस अट्रेक्शन लवफुल मूड प्यार मत प्राप्ति का हेतु है मई भक्तिर्भूतान अमृतोत्ताय कल्पते दृष्टवा यद यद आसित मत स्नेहु भवती न मदापना ऐसे आप लोगों ने प्राप्त किया মাতা মরে পুত্রভাবেই করেন বন্ধন অতিহীন জ্ঞানে মরে করে পালন লালন পালন মাদার বাই থিঙ্কিং আই এম এ ভেরি স্মল বয় হ্যাঁ অ্যান্ড উই ক্যাট টু বাইন্ড মি অ্যান্ড গোয়িং টু বিট মি অ্যান্ড স্মল বয় টেকিং এ ল্যাব গিভিং ব্রেস মিল মা খান এভরিথিং দিস ওয়ে মাথা মরে পুত্রভাবেই করেন বন্ধন ओतिहीन गे लालन पालन। ओतिहीन आई एम वेरी आई एम वेरी वीक स्मॉल बॉय नो सपोर्ट आई विल हैव टू टेक केयर ऑफ माई बॉय इसीलिए क्या करता है जब जशोदा मैया ने इस कार्तिक महीना में इसे दामोदर मास दाम उदरे दाम मानव रोप, दाम उदरे जसो इति दामोदर दाम उदरे धाम माने रोप जिनके उदर में यहाँ जसोदा मैया ने टाइट कर दिया गिट्टू बांध कर से दामोदर दा। जब गोपाल को जसोदा मैया ने बांधी थी तब सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं न अंतर यश न जिसका कोई स्टार्टिंग नहीं है एंड नहीं है जिसका कोई स्टार्टिंग नहीं है जिसका एंड नहीं है इसको जसोदा बांध रहा है

সো এসেই মাতামে পুত্রভাবে করেন বন্ধন মাতা মোরে পুত্রভাবে করেন বন্ধন অতিহীন জ্ঞানে করে লালন পালন মা মাতি মিয়া মেরেক বহুত প্যার করতি হ্যাঁ লালন পালন টেকিং কেয়ার অফ মি আর সখা जो दोस्त है शखा शुद्ध शख् करे स्का स्कंदे आरोह जो फ्रेंड दोस्त लोग कृष्णों का सोल्जर में बैठ जाता है दोस्त लोग कृष्णों का सोल्जर में बैठ जा सखा है। हैं शखा शुद्ध शक् करे स्कंदे तुम ही कौन बड़ो लोग तुम्हें हम ही भगवान है लेकिन वो लोग सोचता है कि मेरा दोस्त है इसे बोलता है यू आर डिफियटेड देयर वॉज कंडीशन यू हैव टू टेक मी ऑन योर सोल्जर लाइक पराजित रामे श्रीदाम श्री राम ओके यू आर डिफियटेड सो यस द कंडीशन यूक्री राम सिटिंग इन सोल्जर एंड विद इन चेस्ट म्यूजिक दिस कॉल ज प्रेम इस ब्रेन कैन नॉट गो अपूट एनी एनीवे आज यहाँ तक चर्चा का विश्राम दे काल फिर चर्चा <messugixí tune> हो पाएगा जन सृष्णाद विमुख सैवद अधित अनुग्रह हो चरंती नूनम भूता नि भाव्यान जनार्दन शो वाचक के पास